हेलो, वेलकम टू एबल्स ट्यूटोरियल्स। आज सीखते हैं सब कुछ टाइप टूल के बारे में। टाइप टूल की जो अलग अलग वेरिएशंस हैं, आपकी वर्टिकल टाइप टूल, टेक्स्ट को बैनर की तरह कैसे हमने टाइप करना है, बॉक्स के अंदर कैसे टाइप करना है, वो सब आज सीखते हैं 10 मिनट के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो शुरू करते टेक्स्ट टूल के बारे में जानने के लिए। ये टाइप टूल ये है, टी शेप से, टी फॉर टाइप। इसको आप क्लिक कीजिए, कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपको लोरम इप्सम का टेक्स्ट आ जाता है। ये फॉन्ट ऑलरेडी यहाँ पे इसने लिया हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है मारिया प्रो का। आप इसका फॉन्ट कोई भी किसी भी उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, लाइव आपको दिखा देता है जो उन सभी आप फॉन्ट लेंगे, उसका वेट इधर दिखा देता है, एंड आप यहाँ से उसका पॉइंट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे, जब मैं वापस सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ तो ये इसका बाउंडिंग बॉक्स है। बाउंडिंग बॉक्स में ये आपने देखा होगा, ये अलग से एक निकला हुआ है। अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो ये उसी फ्रेम के अंदर कैद हो जाएगा जो टेक्स्ट है, तो आप इसको रीसाइज ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये दोनों तरफ है, ये आपका नीचे भी आ जाता है, नीचे अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट हो तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाता है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो देखिए, ये टेक्स्ट को अपने हिसाब से साइज़ कर देता है। ये टेक्स्ट को साइज़ कर रहा है अगर मैं ऐसे करता हूँ, और अगर मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ तो टेक्स्ट को ये प्रोपोर्शन में रीसाइज़ करता है। बट इफ़ आई डू दिस, तो ये टेक्स्ट को रिसाइज नहीं करेगा, ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स जो है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको छोटा बड़ा करेगा। और ये मैंने इसको अभी टेक्स्ट इसमें और डाला। ये देखिए, यहाँ पे एक रेड बॉक्स दिखाया था, इसके नीचे प्लस साइन भी होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स खोल देगा, जितना भी टेक्स्ट है उसमें। और अगर मैं और इसको अभी भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखिए अपने आप टेक्स्ट जो है एडजस्ट हो जाता है उसी बॉक्स के अंदर। एंड इफ़ आई पुट दिस ऑफ, तो ये रीसाइज कर देगा जहाँ तक टेक्स्ट है, यहाँ से भी सेम चीज़ है। अगर मैं उसी टेक्स्ट टूल से मैं ऐसे करके ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ, फिर भी ड्रैग करने पर भी मेरे को ये वो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सारा का सारा जो भी डमी टेक्स्ट है अभी वो डाल दिया इसने। आप कोई भी टेक्स्ट इसमें कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी, उसके लिए मैंने कुछ बाहर शेप बना रखे हैं, वो शेप्स को मैं अंदर ले आता हूँ। पहला है, जैसे अगर हम टेक्स्ट को डबल क्लिक करते हैं या इसको खोलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पार्ट टूल, ये सब अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इसको भी मैं आपको भी समझाता हूँ। एरिया टाइप टूल हो गया, अगर मेरे को किसी एरिया के अंदर टेक्स्ट को टाइप करना हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे को अगर स्क्वायर में, इसी स्क्वायर में अगर मेरे को टेक्स्ट टाइप करना हो, तो मैं इसको यहाँ पे पाथ पे जाके क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा उसी बॉक्स के अंदर। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे सर्कल के साथ करता हूँ, तो देखिए उसी सर्कल के अंदर अंदर इसने टेक्स्ट को दे दिया। ये अभी लेफ्ट अलाइंड है, आप इसकी अलाइनमेंट कंट्रोल शिफ्ट सी से सेंटर कर सकते हैं, या आप यहाँ पैराग्राफ स्टाइल में जाइए एंड यहाँ पे आप ये सेंटर अलाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके साथ है। अगर मैं इसके अंदर भी ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये सेम उसी हिसाब से यहाँ भी टेक्स्ट ले लेगा। ये था अगर मैं इसको कोई भी शेप के अंदर में टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर मैं जब नॉर्मल टेक्स्ट टूल में नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर अगर मैंने जैसे ये यहाँ पे टाइप कर लिया, और अगर मैं इसको अलग शेप देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ इसको ये शेप, तो यहाँ से मैं पाथ से भी शुरू कर सकता हूँ या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए, ये अगेन जैसे मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले बताया था, ये इसको भी एक ऑब्जेक्ट मानता है, और इसका मैंने एक एंकर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और अगर मैं इसको हिलाता हूँ
तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से शेप ले लेगा। मेरे को अगर पॉइंट ऐड करना है, मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, उसी पॉइंट को मैं फिर वापस अगर ऐसे हिलाना हो, मैं ऐसे भी हिला सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम ट्रिक्स कर सकते हैं टेक्स्ट टूल के साथ। चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं, ये टाइप ऑन पाथ टूल। आपने कई बार देखा होगा कि बैनर लाइंस या यू नो ऐसे आर्च के अंदर टेक्स्ट वगैरह आया होता है, तो ये है इसके साथ में आप देख रहे हैं कि एक थ्रेड सा बना हुआ अपने कर्सर के साथ। अब ये कर्सर को मैं जहाँ से क्लिक करूँगा ये वहीं से उसकी लेफ्ट अलाइनमेंट लेगा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इसी पाथ के ऊपर ये टाइप करेगा, तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने उसी पाथ पे अपना डमी टेक्स्ट डाल दिया है, परंतु ये यहाँ से ले रहा है ये लेफ्ट लाइन और यहाँ से नहीं ले रहा। तो जो भी आपका, अगर मैं इसको अभी सेंटर लाइन करता हूँ तो इट विल टेक द सेंटर लाइन फ्रॉम द वेयर आई क्लिक्ड, उतने ही हिस्से से यहीं से जहाँ से मैंने क्लिक किया था वहीं से सेंटर अलाइनमेंट ले रहा है। तो बेस्ट ट्रिक है अगर हम इसको जब भी हम कोई भी पाथ पे टाइप करें पहले सोच लें कि हम किधर से हमने अपनी लेफ्ट अलाइनमेंट लेनी है, और उस हिसाब से मैंने ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसने बैनर के ऊपर आके अपना टेक्स्ट जमा लिया है। ऐसे ही अगर हम सर्कल पे करते हैं तो ये यहाँ से ले लेगा। अगर मेरे को यहाँ से लेनी है इसकी अलाइनमेंट, तो अगर मेरे को लगे कि यहाँ इसके बीच में अलाइनमेंट लेनी है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा ताकि ये यहाँ तक ले ले। और सिमिलरली अगर मेरे को इस सर्कल पे भी टाइप करना हो तो मैं यहीं से जहाँ से भी इसको लेना मांगूँ मैं उधर से इसको टाइप शुरू कर सकता हूँ और ये स्ट्रेट उसी के ऊपर आ जाएगा। जैसे अगर मेरे को सर यहाँ से लेना है इसको तो ये भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये है टाइप ऑन अ पाथ। अब इसी के अंदर मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। अगर ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट इट्स ईजीली अंडरस्टूड, इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ फॉर इस एग्ज़ाम्पल के लिए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ जाएंगे आप टाइप ऑन पाथ में, आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये रेनबो है, आप इसको स्क्यू करेंगे तो ये उसी हिसाब से स्क्यू हो जाएगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखिए स्क्यू हो गया। आप इसको जाके 3D रिबन के हिसाब से करेंगे तो ये देखिए इसने हर एक लेटर को एक 3D टिल्ट दे दिया है। ये सब अलग अलग बैनर्स वगैरह बनाने के काम आता है। अगर आपने ये स्टेयर स्टेप दिया है तो देखिए ये स्टेप के हिसाब से इसकी बेसलाइन, ये बेसलाइन से अपने अलाइंड है, बेसलाइन से अलाइन रहेगा। और अगर आप इसको अब ग्रेविटी कर देंगे तो ये अपनी बेसलाइन के साथ वापस अलाइन हो जाता है। और रेनबो सेम चीज़। एंड यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, ये प्रीव्यू अगर आप दबा के रखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, रेनबो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये यहाँ से भी जो आप पहले कर रहे थे वो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये फ्लिप, आप देखिए टेक्स्ट पाथ के नीचे आ गया, अंदर आ गया और ये पाथ के ऊपर चला गया टेक्स्ट। अलाइनमेंट आपने अभी बेसलाइन से, बेसलाइन होती है ये जहाँ पे फॉन्ट, ये फॉन्ट की बेसलाइन है। ये डिसेंडर है, जो जैसे पी हो गया ये नीचे, ये डिसेंडर हो गया और ये असेंडर हो गया जैसे डी के ऊपर आ गया। तो ये अलाइनमेंट आपको पूछा, अगर मैं असेंडर से अलाइन करता हूँ तो देखिए ये जो टॉप के मार्जिन है उससे अलाइन करेगा। अगर मैं डिसेंडर से अलाइन करूँगा तो ये देखिए ये बॉटम मार्जिन से यहाँ से अलाइन करेगा। सेम अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये डिसेंडर और असेंडर का टॉप और बॉटम का जो सेंटर है वहाँ से इसको अलाइन करेगा। अगर आप मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूँ, इफ़ आई पुट डी तो आप देखिए यहाँ का जो मार्जिन है और यहाँ का जो मार्जिन है इसके बीच का है ये, तो वहाँ पे इसने अपने को अलाइन कर दिया है।
स्पेसिंग आप ऑटो रख सकते हैं या स्पेसिंग आपने जितनी मर्जी आपको इसको अंदर करनी हो तो स्पेसिंग उस हिसाब से कर देगा। स्पेसिंग है हर एक लेटर के बीच की स्पेसिंग। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट के लिए आप सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्टिकल टाइप टूल पे। वर्टिकल टाइप टूल सिर्फ आपको ही ऐसे सीधा वर्टिकली वर्टिकली आपको ये टाइप करेगा। इसका पॉइंट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आसानी रहे देखने में। सो ये वर्टिकली आप कुछ भी टाइप करेंगे ये वर्टिकली ऐसे टाइप कर देगा। ये है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल को मैं पॉइंट साइज कम करके आपको समझाता हूँ। यही सेम चीज़ है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, बट उसमें वही है कि ये टाइप जो है एकदम सीधा आएगा। तो जैसे मैट्रिक्स इफेक्ट अगर आप देना मांगे किसी भी पाथ को आप दे सकते हैं। जैसे ये दे दिया मैंने, तो यहाँ पे इसने देखिए ये सारा वर्टिकली नीचे आ गया है। आप इसको पकड़ के, इसमें में एक बहुत अच्छा टूल और है, वो है टच टाइप टूल, शिफ्ट टी से आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसी को या आप कोई भी शेप के ऊपर कर सकते हैं, अगर आपने इसी को मैट्रिक्स का लुक देना हो ये मैं पूरी टाइप को ग्रीन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें से ये देखो मैं एक एक टाइप को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें मेरे को अगर इसको थोड़ा सा ब्राइट करना हो मैंने ब्राइट कर दिया, या कोई भी मैंने कलर देना हो ये कलर दे सकता हूँ मैं। ये देखिए ये वर्टिकल में भी चलता है टच टूल, और अगर मेरे को नॉर्मल ऐसे टाइप में भी करना हो तब भी यह टच टूल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप कोई भी एक लेटर पकड़ सकते हैं, उस लेटर को आप कलर दे सकते हैं, आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। आप देखिए ये रीसाइज भी कर दिया इसने, और इसका सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये एडिटेबल टेक्स्ट है। अगर मैं इसके पहले क्लिक करके टाइप करता हूँ तो ये पीछे से जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है उसको पकड़ेगा, और अगर मैं इसके आगे से टाइप करता हूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पकड़ लेता है। एंड ये सब एडिटेबल टेक्स्ट है। आप इसको आप देखेंगे अगर यहाँ पे इस टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, सब कुछ यहाँ विड्थ और हाइट 100% है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं इसकी। उसने वर्टिकल हाइट 266 ले रखी है। सो अगर आपको कभी भी बाद में इसको एडजस्ट करना हो आप यहाँ आके इसको 100% कर सकते हैं और ये वापस शेप वैसे आ जाएगा। सो दिस इज़ दी टाइप टूल। इसके साथ आप बहुत कुछ खेल सकते हैं। ऐसे ही एक वर्टिकल टाइप टूल भी है। ये वर्टिकल टाइप टूल बहुत बढ़िया रहता है अलग अलग इफेक्ट के लिए। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने ये पाथ सेलेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल के लिए, अगर मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ एंड इसको वर्टिकल टाइप टूल को अगर मैं यहाँ पे वैसे ही टाइप कर लेता हूँ, ये देखिए ये रिबन्स के हिसाब से जैसे रिबन होते हैं वैसे इसने इसको टेक्स्ट। सो दिस इज़ दी वर्टिकल शेप टूल दैट यू कैन वर्क विथ। और ये सब अलग अलग इफेक्ट आप ले सकते हैं। इसकी मास्टर क्लास में इन डेप्थ स्पेशल इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं इन्हीं के अंदर, कि कैसे आप हर एक टाइप के साथ खेल सकते हैं, किसी एक और लेसन में आपको बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये सारा टेक्स्ट टूल्स हैं और इनके साथ आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं, अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगले एपिसोड में आपको मिलूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, और अगले लेसन के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।